सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट टेक चैनल को और बेल आइकन को दबा दें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों आज मैं आईफोन यूजर्स के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में दरअसल मैं आपको एक और फाइल मैनेजर देने वाला हूं जो कि बहुत ही फास्ट है और आपके डिवाइस के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आईट्यून्स में आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो पहले तो आपने अपना ब्राउजर खोल लेना है और एक वेबसाइट पर चले जाना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3u.com वेबसाइट का नाम है। ये खोल लेंगे आप दोस्तों, तो फिर आप नीचे देख सकते हैं डाउनलोड का बटन है। ये iOS के लिए ऑल वन टूल है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक कर लें और डाउनलोड कर लें। दोस्तों क्लिक करते ही जो इसका सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इसे डाउनलोड कर लें और अपने डेस्कटॉप पे मूव कर लें। तो चलिए अपने डेस्कटॉप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो चुका है। अब इसे ओपन कर लें, यहाँ पर रन पे क्लिक करना है आपने। इसके बाद आपने इसकी इंस्टॉलेशन कर लेनी है। इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है दोस्तों, जल्दी से इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके बाद आपने लॉन्च पे क्लिक कर देना है तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप ओपन कर लें इसे। यहाँ पर दोस्तों आपने अपने डिवाइस को कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए अपने डिवाइस को कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा डिवाइस कनेक्ट हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में आपके डिवाइस के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। आप लोग नीचे भी काफी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं इसके बारे में, इसकी कैपेसिटी के बारे में। तो नीचे आप लोग देख सकते हैं ये इनका अपना ऐप है। इसके बाद आपको बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद आपको स्टॉप iOS अपडेट, अपडेट को स्टॉप करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद रिंगटोन बना सकते हैं आप, यहाँ पर वीडियोज को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप अपने डिवाइस को रीबूट कर सकते हैं और अपने डिवाइस को टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो ये इसके दोस्तों बेसिक फंक्शंस हैं, बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है दोस्तों ये। इसके बाद आप यहाँ पर साइड पर एप्स में जा सकते हैं, यहाँ पर आप एप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, इनको व्यू कर सकते हैं, इवन के एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपकी गैलरी आ जाती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप लोग म्यूजिक में जा सकते हैं, म्यूजिक आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, म्यूजिक को डिलीट भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद रिंगटोन्स हैं, रिंगटोन्स डाल सकते हैं दोस्तों, वीडियोस डाल सकते हैं, यहाँ पर आप बुक्स डाल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन भी है। आपको अपने आईक्लाउड में कॉन्टैक्ट को ऑफ करना पड़ेगा तो आपके कॉन्टैक्ट जो है यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसके बाद आप नीचे फाइल्स देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी रूट फाइल्स शो हो जाएंगी। इसके बाद आप यहाँ पर मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफी टूल्स शो हो जाएंगे। इनका अपना ऐप, बैकअप रिस्टोर, ये क्लीन स्टोरेज है दोस्तों। इसके बाद ये इनमें से एक सॉफ्टवेयर है जो कि काफी यूजफुल है, आइकन मैनेजमेंट। दोस्तों इसमें आप लोग आइकन्स को अरेंज कर सकते हैं, इनको डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इनको। दोस्तों इसमें एक और फंक्शन है जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, जो कि आपके डिवाइस की लाइव डिस्प्ले को शो करेगा, रियल टाइम स्क्रीन शो करेगा। तो चलिए इसे ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके डिवाइस की जो स्क्रीन है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। आप इसे रिकॉर्ड करना चाहें रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यूट्यूब पे अपना पेज खोल लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ऐप स्टोर भी है इनका अपना, जहाँ से आप लोग ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी एप्पल आईडी देनी पड़ेगी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह के फाइल मैनेजर्स मैं आपके iOS डिवाइस के लिए लेके आता रहूंगा और फ्यूचर में अगर जिल ब्रेक्स की वीडियो भी आएंगी तो उनके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा मैं। तो दोस्तों उन वीडियोज के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बार फिर आपसे एक नई वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।